ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथियों, आज हम दर्शन करेंगे एक अति प्राचीन 5000 साल पुराने श्री लक्ष्मी वाराह मूर्ति मंदिर के, जो तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पास 1 किलोमीटर की ही दूरी पर है। मंदिर सुंदर प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। मंदिर के आसपास नारियल के वृक्ष और एक बड़ा सुंदर तालाब है। यह मंदिर भगवान वाराह को समर्पित है, जो विष्णु भगवान के तीसरे अवतार हैं। पुराणों के अनुसार हिरण्याक्ष पृथ्वी को समुद्र तल में ले गया। भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष का वध करके धरती को सागर से बाहर लाए और यहाँ ठहर गए। इस मंदिर का प्रशासन त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड करता है। गर्भगृह में मुख्य मूर्ति श्री वाराह भगवान की है, जो चतुर्भुज रूप में हैं। उनके हाथों में शंख चक्र, उनका वरद हस्त है और एक हाथ से लक्ष्मी जी को उन्होंने अपनी गोद में बिठा रखा है। भारत में भगवान वाराह के कुल 23 मंदिर हैं। उनमें यह मंदिर अत्यंत विशेष है। यहाँ माँ लक्ष्मी भगवान वाराह की गोद में बैठी हैं। गर्भगृह में स्वर्ण कलश है। भगवान की उत्सव मूर्ति पंच धातु से बनी है। गर्भगृह गोल है और इसकी छत ताम्र पत्रों से ढकी है। मंदिर परिसर में गणपति जी, श्री कृष्ण, अयप्पा स्वामी, हनुमान जी, नागराजा, यक्षी अम्मा की मूर्तियां हैं। मंदिर केरल शैली में बना है। मंदिर में एक स्वर्ण ध्वज स्तंभ है। मंदिर के साथ 8 एकड़ जमीन पर फैला हुआ तालाब है। यह केरल का दूसरा सबसे बड़ा तालाब है। ओणम के समय इस तालाब में बोट रेस का आयोजन भी होता है। मंदिर में त्योहारों में दीपक जलाने के लिए लकड़ी के फ्रेम बने हुए हैं, जो अति प्राचीन है। मंदिर में अनेक प्रकार की पूजा अर्चनाओं का आयोजन किया जाता है, जैसे गणपति होम, अष्टोत्तरार्चना, पाल पायसम, उन्नी यापम, तुलाभारम, गरुड़ वाहन सेवा आदि। जब हम मंदिर के दर्शन करने आ रहे थे तो वर्षा की बूंदें गिरने लगी। इस कारण दर्शन का आनंद और ज़्यादा बढ़ गया। मंदिर की एक दीवार पर भगवान पद्मनाभ का चित्र बना हुआ था, जो अनंत शयन मुद्रा में थे। इस चित्र ने मुझे बहुत आकर्षित किया। श्रद्धालु यहाँ सर्प दोष के लिए नाग पूजन करवाते हैं। मंदिर परिसर में एक अति प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे भक्तों द्वारा भेंट की गई अनेक नाग मूर्तियाँ रखी हुई हैं। मंदिर में मलयालम मीनम महीने में त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ वाराह जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है। मंदिर में भजन संगीत का आयोजन किया जाता है। रात में मंदिर को और तालाब के साथ लाइटिंग से सजाया जाता है, जिसका प्रतिबिंब तालाब में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यहाँ मंदिर में गुरुवार यानी वीरवार की पूजा प्रसिद्ध है। भक्त यहाँ भगवान को गुरु रूप में भी पूजते हैं।
ऐसे प्राचीन पवित्र स्थानों की शक्ति, तेज और आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ सैकड़ों हजारों सालों से श्रद्धालुओं ने जप तप किया होता है। साथियों, ऐसी ही दिव्य जानकारी के लिए और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब कुछ क्षण मंदिर की पूजा की ध्वनि सुनिए और पूजा का आनंद लीजिए।